इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे हर दिन मॉन्स्टर के अटैक का खतरा बना रहता है, और तुमने एक दिन अपने बचपन के दोस्त को यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया था कि तुम उन मॉन्स्टर को मारने के लिए डिफेंस फोर्स के ऑफिसर बनोगे, लेकिन एक हादसे की वजह से तुम खुद यहाँ पे काइजू में कन्वर्ट हो सकते हो, तुम्हारे पास काफी सुपर पावर आ जाती है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते ये वीडियो। वन की स्टडी हम जापान की टोक्यो सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें एक अलम्स नाम की जगह का सीन दिखाया था, जहाँ पे जो पानी होता है उसके अंदर यहाँ पे काइजू दिखता है और लोग काफी डर जाते क्या तो फिर से आ चुका है, और ये काइजू यहाँ पे पूरी सिटी में काफी डिस्ट्रक्शन मचाने लग जाता है, और यहाँ पे डिफेंस फोर्स के कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि अपने गोला बारूद से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उनसे उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये देखने में यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे शायद से थर्ड डिवीजन को ही आना पड़ेगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और यहाँ पे कुछ लोग तो मस्त आराम से बैठ के सारी न्यूज फोन पे देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे थर्ड डिवीजन आ जाती है और उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि काफी आइकॉनिक स्टाइल में नीचे की तरफ आती है, उसके सोल्जर इस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं, और फिर बाद जो लड़की होती है अपने यहाँ पे एक वेपन निकालती है और उस वेपन में चार्ज करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, और वजह से यहाँ पे जो काइजू होता है उसकी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट कर जाती है और ये यहाँ पे मार जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा था जहाँ पे इस काइजू के आसपास कुछ मशीनें लगी होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस काइजू के खून को साफ कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर से, और हमारे मेन हीरो को भी दिखाता है जो कि यही काम करता है काइजू की डेड बॉडी को साफ करने का, और हमें यहाँ पे थर्ड डिवीजन को भी दिखाया था जिनके लोग इंटरव्यू ले रहे होते काफी चर्चा कर रहे होते काफी ज्यादा शाबाशी दे रहे होते हैं, और इसको देखने हमारे हीरो कहता है हमारी फाइट भी कुछ ऐसी है लेकिन हमारी फाइट काफी ज्यादा अननोन है, हम लोग पीट यहाँ पे जो बैटल एंड हो जाती है तो हमारी बैटल यहाँ पे शुरू होती है, हम लोग यहाँ पे काइजू की डेड बॉडी को साफ करते हैं जिसमें काफी ज्यादा मुसीबतें आती है और हमारी जान भी खतरा रहता है इस टाइम पे। काफा तो को देखते जो कि इस मॉन्स्टर की कटिंग कर रहा होता है, तभी यहाँ पे उसके पास में एक ड्रोन आता है जो कि कहता है मुझे सैंपल चाहिए, और हमारा काफा तो उसके अंदर कुछ पीसेस को रख देता है, कहता है ये सैंपल तुम जाके दे सकते हो, और लीडर यहाँ पे आता है हमारा काफा से कहता है तुम यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर सफाई करने के लिए जाना है, और ये सुनो हमारे काफी दुखी जाता है लेकिन फिर भी उसको ये काम करना पड़ता है और यहाँ पे जाता है, और फिर हमें यहाँ पे रात का सीन दिखा था हमारा हीरो यहाँ पे घर पर चला रहा था, कहा था मेरे को इंस्टेंट टाइम में बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं है, और यहाँ पे उसका मूड पूरा खराब हो चुका था क्योंकि वो गंदी बदबू उसको अभी भी याद आ रही होती है, और तभी यहाँ पे टीवी में देखता है वही सुबह वाली न्यूज दिखाई जा रही होती है जिसमें यहाँ पर थर्ड डिवीजन ने कैसे काइजू को मारा है, यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे कहा था ये समय का उधर पावरफुल बन चुकी है, और ये कोई लड़की और नहीं हमारे हीरो की बचपन की दोस्त होती है, इन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि ये दोनों यहाँ पे डिफेंस फोर्स की कूलेस्ट ऑफिसर बनेंगे, और ये सोचने वाला हमारे हीरो कहता है खैर ये तो बन गई मैं ना बन सका लेकिन ये सही में कभी पावरफुल है, इस जगह पे ये जा पहुंच गई है जहाँ पे मैं कभी भी नहीं पहुंच पाता, और यहाँ पे हमारा ये कहने का टीवी बंद कर देता है, कहता है अब मुझे फिर से कल काफी काम करना पड़ेगा मेरी लाइफ सही में कभी बोरिंग हो चुकी है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, तब यहाँ पे उसका दोस्त यहाँ पे किसी से उसको इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है ये एक स्टूडेंट जो कि हमारे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया है क्योंकि इसे डिफेंस फोर्स में जाना है और इसे थोड़े पैसे कमाने हैं, और हमारे हीरो उसका दोस्त से कहता है ये जो हमारा बंदा है ये भी यहाँ पे डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था लेकिन पता नहीं इसने क्यों कैंसिल कर दिया, और ये सुनने को उससे कहा था तुमने यहाँ पे कैंसिल क्यों कर दिया तुम यहाँ पे डिफेंस फोर्स में क्यों नहीं गए, हमारे से कहता है मेरी मर्जी मैंने यहाँ पे गिव अप कर दिया मेरा वैसे मूड नहीं हुआ था, और ये सुनने के बाद में वो लड़का उससे कहा था तुमसे मैं कहूँ कायर हो तुमने यहाँ पे इस चीज को गिव अप क्यों कर दिया, और ये सुनने के बाद जो हमारा हीरो होता है मनी मन में कहा गुस्से होते हुए कहता है ये सही में कहा बदतमीज बच्चा। यहाँ पे थोड़ी देर बात का सीन दिखाया था जहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं अपना सभी अपना काम कर रहे होते हैं, काइजू के बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे दूर लेके जा रहे होते हैं, और यहाँ पे उनको अपना अपना काम दे दिया जाता है, और यहाँ पे जो काफा था वो इचिकावा से दूर रहना चाहता था लेकिन यहाँ पे लीडर ने दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया होता है, और ये दोनों यहाँ पे इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए चले जाते और कहते हैं मुझे सही में बिल्कुल पसंद नहीं, ये सारी बातें हमारी काफा तक कह रहा होता है लेकिन यहाँ पे जो इचिकावा होता है कहते हैं सही में काफा अजीब है पता नहीं इसने ऐसा क्या किया, और फिर बाद में हम यहाँ पे लंच टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे जो इचिकावा होता है उसका मूड भी काफी खराब होता है और यहाँ पे काफाता का भी मूड काफी खराब होता है, और फिर बाद में वो उसको कुछ ड्रिंक देता है और कहता है तुम्हें ये पीना चाहिए तुम्हारे लिए काफी काम का है, और जो काफाता होता है वह उससे कहता है तुम्हें ये नाक में लगा लेना चाहिए ये काम करते समय काफी मदद करेंगे, और वो दोनों ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं, बाद में वो वापस से काम पे चले जाते हैं, वो दोनों यहाँ पे इंस्टाग्राम की सफाई करने लग जाते हैं, और फिर बाद में हम यहाँ पे शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सभी अपना काम को खत्म करते हैं और यहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं, उन दोनों को भी यहाँ पे बाय कर देते हैं, और जब हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है मैं अभी अब घर चला जाऊंगा तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और अपना कुछ काम कर रहा था कि तभी यहाँ पे इचिकावा उसके पास में आता है उससे कहता है तुमने मेरे को जो चीज़ दी थी उसके लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरे सही में काफी काम किया ये, और सही में तुम काफी अच्छे हो, और हमारा इचिकावा भी ये सोच कहने के बाद में काफता की तरफ देख रहा होता है लेकिन हमारा काफता उससे कहता है तुम भी काफी अच्छे हो मैंने सोचा नहीं था तुम इतने अच्छे निकलोगे, तभी यहाँ पे काइजू आ जाता है जो कि यहाँ पे इचिकावा को जैसे ही खाने वाला होता है, जो हमारा काफता होता है वो यहाँ पे काफी तेजी से भागता है और उसको यहाँ पे साइड की तरफ धक्का देके बचा लेता है, और यहाँ पे हमारा काफता इचिकावा से कहता है जल्दी से तुम यहाँ से भाग के जाओ और यहाँ पे डिफेंस फोर्स को कॉल करो नहीं तो हम दोनों यहाँ पे मार जाएंगे तुम यहाँ से भागना होगा, और हमारा इचिकावा कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं भागने वाला मैं भी इससे फाइट
करूंगा तुम्हारे साथ। और हमारे कप्तान से कहा था अगर तुम यहाँ पे मर गए तो फिर डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। और वो यहाँ से चला जाता है। और जब हमारा ये काफ्ता होता है उस मॉन्स्टर से कहा था जरा मेरी तरफ आओ, तुम यहाँ पे मेरे से फाइट करने वाले हो। और ये कहने के साथ ही जो हमारा काफ्ता होता है वो यहाँ से काफी तेजी से भागने लग जाता है और वो मॉन्स्टर हमारे काफ्ता का पीछा करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर भागने के बाद में यहाँ पे काफ्ता को सेफ्टी टनल दिखती है, जिसको देखने वाला तो कहा था चलो अच्छा है ये मेरे को यहाँ पे दिख गया। और काफी तेजी से भागता है उसके अंदर चला जाता है, कहा था चलो ठीक है अब शायद मैं यहाँ पे बच सकता हूँ। और मॉन्स्टर हमारे काफ्ता का पीछा कर रहा था, छोड़ ही नहीं रहा होता है। और ये देख रहा हमारा काफ्ता काफी तेजी से भागता और कहा था मेरे पास कोई चॉइस नहीं। और यहाँ से जितना सामने कांच आता है उसको तोड़ते हुए यहाँ पे जंप कर जाता है। और यहाँ पे जंप करते उसको यहाँ पे अपनी बचपन की यादें आती है। और वहाँ पे बचपन की यादों में देखता है उसने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों यहाँ पे डिफेंस फोर्स के ऑफिसर बनेंगे जो कि काइजू को हर रोज मारने वाले हैं। और वो दोनों काफी खुश होते हैं, ये एक दूसरे को प्रॉमिस करते हुए कहते हैं मैं सही में कहा था कूलेस्ट ऑफिसर बनने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ में यहाँ पे कूलेस्ट ऑफिसर बनोगी। और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रॉमिस कर देते कि वो दोनों यहाँ पे ऑफिसर बनेंगे। और यहाँ पे हमें फिर फाइटिंग सीन दिखाया था जो हमारा काइजू होता है वो हमारे काफ्ता के ऊपर काफी अटैक कर रहा होता है और उसका पैर यहाँ पे तोड़ देता है। और ये देखें जो हमारा काफ्ता होता है वो काफी हैरान होता है, क्या था मेरा पैर टूट चुका, मैं सही में काफी यूजलेस हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर बेकार हूँ, बचपन से काफी ज्यादा गलतियां की है, मैं सही में एक नंबर का यूजलेस लड़का हूँ। और यहाँ पे जो काइजू होता है वो हमारे हीरो की तरफ देख के काफी खुश हो जाता है और हमारे हीरो को यहाँ पे खाने लग जाता है। और जैसे वो हमारे हीरो को खा रहा होता है यहाँ पे इचिकावा आता है और अपने अटैक से उस घायल को थोड़ा साइड कर देता है उस काइजू को। और यहाँ पे हमारा इचिकावा उससे कहा था तुम क्या ठीक तो, लेकिन वो उसके पैर की तरफ देखता है तो काफी घायल होता है। और हमारा काफ्ता उससे कहा था तुम भागे क्यों नहीं, इचिकावा उससे कहा था हमने यहाँ पे डिफेंस फोर्स को कॉल कर दिया और जल्दी यहाँ पे आती होगी और मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे डिफेंस फोर्स का ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँगा। सुनने के बाद यहाँ पे जो हमारे हीरो था उसको अपने पास्ट लाइफ का सीन याद आता है जहाँ पे उसको भी यहाँ पे डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनना था, लेकिन वो यहाँ पे काफी घायल होता है, कहता है मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जूनियर को भी यहाँ पे नहीं बचा पाऊंगा। और यहाँ पे जो काइजू होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पे हमें दिखाता है कोई मॉन्स्टर आता है और उस काइजू के हाथ को यहाँ पे साइड में कर देता है। और तभी इस काइजू के ऊपर काफी सारे छोटे मोटे अटैक होते हैं और काइजू यहाँ पे मारा जाता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया था थर्ड डिवीजन की कैप्टन यहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है जहाँ पे जो भी घायल हो उसकी जल्दी से जाके रेस्क्यू करो, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। और यहाँ पे जो काफ्ता होता है वो यहाँ पे इस कैप्टन की तरफ देखने मत कहता है ये सही में काफी कूल बन चुकी है, ये सही में मेरे को भूल चुकी होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा काफ्ता होता है अपने बचपन के सीन याद करते हुए कहता है मुझे यहाँ पे सही में डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनना था, पता नहीं मैंने यहाँ पे इस चीज को गिव अप क्यों कर दिया। और यहाँ पे इचिका उसे कहता है मुझे नहीं मालूम तुमने यहाँ पे गिव अप क्यों कर दिया, लेकिन सही में तुम काफी कूलेस्ट ऑफिसर बनते अगर तुम डिफेंस ऑफिसर बन जाते। और ये सुनने वाले यहाँ पे जो काफ्ता होता है काफी खुश हो जाता, कहा था चलो किसी ने तुम्हें यहाँ पे कूलेस्ट ऑफिसर कहा है। और यहाँ पे हमारा इचिका उसे कहा था तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा थैंक यू कहता हूँ। और ये सुनने के बाद हमारा इचिका काफी खुश हो जाता है और हमारा जो काफ्ता था वो और भी ज्यादा खुश हो जाता, कहा था मुझे अपना गिव अप नहीं करना चाहिए था अपने सपने को। तभी यहाँ पे काफ्ता के सामने एक छोटा फ्लाइंग काइजू आ जाता है और उसको देखने वाले यहाँ पे जो काफ्ता होता है काफी डर जाता है, कहता है क्या मेरे सामने यहाँ पे फिर से काइजू आ चुका है। और वो काइजू हमारे हीरो के मुंह के अंदर चला जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा हीरो काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और ये देखने यहाँ पे इचिकावा जल्दी से पर्दा हटाता है तो सामने की तरफ वो यहाँ पे एक खतरनाक काइजू को देखता है और वो अपने काइजू मिरर की तरफ देखता है और हमारा इचिकावा की तरफ देखते काफी दोनों एक दूसरे को देखने वाले काफी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं। और हमारा काफ्ता कहता है मैं हूँ इचिकावा, मैं काफ्ता हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर। और तभी यहाँ पे बुड्ढा यहाँ पे थर्ड डिवीजन को कॉल लगा देता है, इसको देखने बाद ये दोनों काफी फट जाते हुए कहती है यहाँ पे मैं भी मरने वाला हूँ। यहाँ पे दिखाया था जो काफ्ता होता है और यहाँ पे कैप्टन दोनों एक साथ में बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, कैसे उन दोनों ने यहाँ पे डिफेंस ऑफिसर बनने का प्लानिंग किया था, वो कौन सबसे ज्यादा कूलेस्ट ऑफिसर बना गए दोनों प्लान कर रहे होते हैं। और ये सारी यादें यहाँ पे कोई और नहीं हमारे कैप्टन ही सोच रही होती है अपने नहाते हुए और अपने स्कार्स को देखते हुए कहती है मैंने सही में काफी सारे काइजूस को यहाँ पे मार डाला। तभी इसका फोन रिंग करता है और पानी से बाहर निकलती है और यहाँ पे अपने फोन को उठाती है और यहाँ पे फोन के ऊपर वो क्या बात करती है हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बस हमें इतना पता चलता है कि कोई उसके पीछे खड़ा होता है। और इसको देखने कहती है क्या एक और काइजू आ चुका है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब वीडियो करना मत भूलना। और मैंने काफी सारी मांगा और मनोभाव को भी एक्सप्लेन किया है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने काफी सारी एनिमे को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं और कुछ एनिमे को एक्सप्लेन कर चुका हूं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।